अनुग्रह दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और सारी महिमा प्रभु को देते हुए आप सभी का वचन की इस सेवा में स्वागत करते हैं। आज हम वचन के जिस भाग पर मनन कर रहे हैं वो है इफिसियों की किताब उसके चौथे अध्याय उसके 24वें वाक्य Ephesians 4:24, जो ये कहता है, और तुम उस नए स्वरूप को धारण कर सको जो परमेश्वर के अनुरूप सचमुच धार्मिक और पवित्र बनने के लिए रचा गया है। हमारे आज के संदेश का विषय है सत्य की पवित्रता। क्यों परमेश्वर हमारे जीवन से पवित्रता की कामना करता है? पहले पत्रस की किताब उसके पहले अध्याय के 15वें और 16वें वाक्य में ऐसा लिखा है, पर जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हमारे जीवन से पवित्रता प्रकट करने के लिए दो मुख्य कारण ये वचन हमें दर्शाता है। पहला, हमें बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हम पवित्र बने। दूसरा, जैसा वचन में कहा गया है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, और ये परमेश्वर की आज्ञा है। पवित्रता के फल में आगे बढ़ने के लिए हमें ये ग्रहण करना होगा कि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी है, इसका बोध होने से ज्यादा हमें व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की पवित्रता का दर्शन पाए हुए लोग बनना होगा। हम परमेश्वर को सिर्फ छुटकारा देने वाला, बोझ उठाने वाला, आवश्यकता पूरी करने वाले के रूप में देखते हैं, और इसलिए हम अशुद्धि में अपना जीवन बिताते हैं। यदि हम इसका और वर्णन करें तो ये समझ सकते हैं कि जब हम परमेश्वर की पवित्रता का दर्शन पाते हैं तो हम हमारे जीवन की अशुद्धियों के साथ आगे नहीं बढ़ पाते, परंतु हम अशुद्धियों से शुद्ध होकर एक पवित्रता भरा जीवन बिताते हैं। उदाहरण के रूप में यदि हम यशाया भविष्यवक्ता के जीवन की ओर ध्यान लगाएं, यशाया की किताब उसके 6वें आयत उसके 5वें वाक्य के आखिरी पदों में ये लिखा गया है, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा को अपनी आंखों से देखा, अर्थात परमेश्वर की पवित्रता का दर्शन पाने तक वह हर चीज में अशुद्धि की ओर अपनी उंगली उठाया करता था, जो हम यशाया की पुस्तक 5वें अध्याय के 8वें, 11वें, 19वें, 20वें, 21वें और 23वें भागों में पढ़ते हैं। इन अध्यायों में यशाया नबी कहते हैं, हाय हो उन पर जो एक के बाद एक मकान और खेत खरीदते हैं, हाय हो उन पर जो दाक मधु और मदिरा पीकर धुत रहते हैं, हाय हो उन पर जो स्वयं को बुद्धिमान और ज्ञानी समझते हैं। ये सब कहकर वे अपनी सेवकाई को आगे बढ़ाया करते थे, लेकिन 6वें अध्याय में वे दर्शन पाकर दूसरों के जीवन की अशुद्धियों को नहीं परंतु अपने जीवन की अशुद्धियों को परमेश्वर के सम्मुख प्रकट करते हैं। पहली बात जो हम यशाया भविष्यवक्ता के जीवन से सीखते हैं वो ये है, पवित्रता के फल को हमारे जीवन में बढ़ाना है तो हमें आत्मिक दर्शन पाकर स्वयं पाप से दूर होकर जीवन बिताना होगा। दूसरा, यह ग्रहण करना होगा कि पाप से उद्धार सिर्फ परमेश्वर की ओर से मिलता है, अर्थात परमेश्वर की पवित्रता यदि हमारे जीवन में प्रकट होनी है तो परमेश्वर का स्पर्श और परमेश्वर का उद्धार पाना जरूरी है। हम अपने जीवन की अशुद्धि और बुराइयों को अपने दिनचर्या के कार्यों से दूर नहीं कर सकते, परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए हम पाप से उद्धार पाते हैं और पवित्रता से भरपूर जीवन बिता पाते हैं। यशाया 6:8 में लिखा है, मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन आएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेजो। पवित्रता हमारे जीवन में प्रकट होनी है तो हमें पाप से परमेश्वर द्वारा और परमेश्वर के लिए उद्धार पाना आवश्यक है। यदि हम स्वयं की पवित्रता को पाने की कोशिश करेंगे तो हम पराजित होंगे, लेकिन यदि हम परमेश्वर के स्पर्श और परमेश्वर का दर्शन पाकर
उस पवित्रता को पाएंगे तो वह अंत तक हमारे साथ रहेगी और परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्रता से भरपूर जीवन हम बिता पाएंगे। आने वाले समयों में परमेश्वर का उद्धार पाकर एक पवित्रता से भरपूर जीवन बिताने में परमेश्वर हमारी सहायता करे। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।